वहीं देहरादून में लगातार समुदाय विशेष के लड़कों पर हिंदू लड़कियों को छेड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच विकास नगर से दो मामले सामने आए हैं जहां विशेष समुदाय के युवकों पर हिंदू लड़कियों को छेड़ने का आरोप लगा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन हिंदू संगठन जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। मामले में विशेष समुदाय के लोगों पर भी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन मामला ज्यादा तूल ना पकड़े इसको लेकर पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। पुलिस हिंदू संगठन और विशेष समुदाय के लोगों को बुलाकर शांति बनाने की भी अपील कर रही है। आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जारी है। तनाव का माहौल है, लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब हर जगह पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है और पुलिस ने अब हर किसी से शांतिपूर्वक माहौल बनाने की अपील की है। तो हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला है जहां अब जिस पर जो मामला अब तूल पकड़ चुका है और अब प्रशासन शांति बरतने की बात कह रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें ये बात आई थी, तो उसमें पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, इसमें त्वरित ही कार्रवाई की गई थी और इसमें हमने दोनों पक्षों का ही मुकदमा दर्ज किया था। और जो भी पुलिस को अगर सूचना मिल जाती है तो पुलिस उसमें पूरी कार्रवाई करती है और कर रही भी है। और कल भी इसी तरह की एक घटना हुई तो उसमें भी पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर के किच्छा रोड पर स्थित एक होटल के बाहर दबंगों ने तलवार से एक परिवार पर हमला किया, जिसमें एक शख्स का हाथ कट गया जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि होटल में शराब के नशे में दबंगों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके विरोध में उसके पति ने उनका विरोध किया था, जिसके बाद होटल संचालक ने दबंगों को होटल से बाहर कर दिया था, लेकिन बदला लेने के लिए पार्किंग में दबंग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही परिवार पार्किंग में पहुंचा तो दबंगों ने तलवार से उन पर हमला कर दिया। तो दबंगों की उत्पात देखने को मिल रही है। शख्स ने पत्नी से छेड़खानी का किया विरोध, जिस विरोध को लेकर दबंगों ने पिटाई कर दी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हमने 48 घंटे के अंदर अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनसे घटना में प्रयुक्त वाहन और घटना में प्रयुक्त मुख्य हथियार भी हम लोगों ने बरामद किया है और इनके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस जो टीम के द्वारा प्रोफेशनल काम किया गया है, इससे इसके लिए SSP सर ने इसमें 1,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। तो दिल्ली NCR समेत UP के कई हिस्सों में रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कई जगहों पर गाड़ियां भी फंसी नजर आ रही हैं। वहीं गाजियाबाद में तेज बारिश के कारण नगर आयुक्त के घर में भी पानी भर गया है। तो ये नोएडा और गाजियाबाद की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। हर साल इसी तरीके की परेशानी से लोगों को जूझना पड़ता है, दिल्ली वासियों को, NCR वासियों को जूझना पड़ता है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। ये समस्या जस के तस देखने को मिल रही है। बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस समस्या का समाधान फिलहाल नहीं मिलता नजर आ रहा है। खबर कानपुर से आ रही है जहां जाजमऊ में महिला के मकान में आगजनी का मामला सामने आया है। फरार अपराधी शमशुद्दीन के घर की गई कुर्की गई कार्रवाई और घटना के बाद से फरार चल रहा है आरोपी शमशुद्दीन। आरोपी के बेकनगंज स्थित मकान में की गई कुर्की की कार्रवाई, मामले की जांच के लिए गठित SIT ने की कार्रवाई। सपा विधायक शमशुद्दीन भी मामले में आरोपी है। तो SIT की जांच की गई, उसके बाद कार्रवाई की गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ शमशुद्दीन भी मामले में आरोपी है। आरोपी शमशुद्दीन के घर पर कुर्की की गई है और कार्रवाई के बाद अब उसका घर जमीन दोज कर दिया गया है। फरार आरोपी शमशुद्दीन पर शिकंजा कसा गया है।
और ये बड़ी खबर आ रही है, एसआईटी का एक्शन देखने को मिल रहा है। कानपुर की ये घटना है जहां आरोपी शमसुद्दीन के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। जाजमऊ में एक विधवा वृद्धा का घर जलाए जाने के मामले का केस है 127/22 और इसमें ये लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इनके खिलाफ NBW जारी किया गया था, इनके खिलाफ 82-83 की कार्यवाही की गई थी और आज अंतिम रूप से कुर्की करके और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट बची हुई है वो भेजा जा रहा है। वहीं मसूरी में इन दिनों बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है और जगह जगह हादसे में लोगों ने दहशत का माहौल देखा गया है। इसी बीच मैसोनिक लॉज बस स्टैंड के पास एक होटल का हिस्सा भरभराकर गिर जाता है, जिसकी चपेट में आने से एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं गनीमत ये रही कि हादसे का कोई शिकार नहीं हुआ। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और होटल मालिक को जल्द से जल्द मरम्मत करवाने का निर्देश दिया गया। तो बड़ा हादसा टलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बाल बाल टला एक हादसा जहां होटल का हिस्सा गिरने से स्कूटी क्षतिग्रस्त हो जाती है। खबर नोएडा से है, जहां बरौला गांव के पास एक युवक नाले में कूद गया। युवक के नाले में कूदने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नाले में कूदे युवक का नाम छोटे लाल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो युवक नशे का आदि था। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि छोटे लाल परिवार के साथ JJ कॉलोनी में रहता था। तो एक युवक ने नाले में छलांग लगा दी और नशे की हालत में नाले में कूदने का की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की मदद से युवक को की तलाश जारी है। फिलहाल उसका शव या फिर उसके युवक का पता नहीं लग पाया है। परिवार के साथ JJ कॉलोनी में रहता था युवक। नशे की हालत में नाले में छलांग लगा दी, जिसके बाद अब अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिल रहा है। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि युवक की तलाश की जाए और वो मिल पाए। वहीं मेरठ के सिवाल खास कस्बे में ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों का जमकर विरोध किया है। बताया जा रहा है कि वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस गांव में सिविल ड्रेस में पहुंची थी, जिसका ग्रामीण ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोर्ट से वारंट निरस्त होने के बाद भी पुलिसकर्मी बिना ड्रेस में गांव में दबिश देने पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों के विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गांव वालों का आरोप है कि बिना वारंट के, या फिर हम कहें कि कोर्ट के द्वारा वारंट निरस्त होने के बावजूद पुलिस वहां सादे कपड़े में पहुंची, बिना वर्दी के पहुंची, जिसका गांव वालों ने जमकर विरोध किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण प्रशासन का विरोध करती हुई नजर आ रही है। वारंट निरस्त होने के बाद भी पुलिस ने दबिश दी थी, जिसका ग्रामीणों ने भरपूर विरोध किया है। वारंटी को पकड़ने के लिए पहुंची थी पुलिस, लेकिन ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सादे कपड़े पहने हुए पुलिसकर्मियों पर ग्रामीण अपना बल दिखा रही है। झांसी में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगों ने शिकायत करने पर पीड़ित पक्ष को पीटा और पीड़ित पक्ष शिकायत करने पहुंचा था थाने। शिकायत करने पर पीड़ित पक्ष के साथ दोबारा मारपीट की गई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिरगांव थाना क्षेत्र के करुगुआ गांव का यह मामला है। तो शिकायतकर्ता, या फिर हम कहें पीड़ित परिवार को शिकायत करना भारी पड़ गया। बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है, जहां शिकायत करने के बाद दबंगों ने पीड़ित परिवार को ही पीट दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुरे हालात में पीड़ित परिवार लेटा हुआ है अस्पताल में, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो शिकायत करने पर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की गई। दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगों ने सरेआम पीड़ित पक्ष को पीट डाला।
जिनका अभी फिलहाल झांसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारी बारिश के बीच लखनऊ में जगह जगह जलभराव हो गया है। आलम यह है कि लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं परिवर्तन चौराहे पर बारिश के चलते सड़क धस गई है, जिसके बाद एहतियातन ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगा दिया और रूट को डाइवर्ट किया गया। हजरतगंज थाना क्षेत्र के स्थित परिवर्तन चौराहे का ये मामला है। तो बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सीधे लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और इसी में एहतियातन ट्रैफिक पुलिस भी तैयार है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां पर 24 घंटे में अमरोहा पुलिस और लुटेरों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ होती है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लुटेरों के पास से 15,000 रुपए, एक बाइक, अवैध असलाहा भी बरामद किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 24 घंटे में दूसरी बार मुठभेड़ होती है पुलिस की और बदमाशों की, जहां पर एक पुलिस भी घायल हो जाता है। अमरोहा की ये वारदात है, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही पुलिसकर्मी है जो इस वारदात में घायल हुआ था। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है, दो बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ होती है, 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ और लुटेरों के पास से 15,000 रुपए, एक बाइक, अवैध असलाहा भी बरामद किया जाता है। तो ये असलहे की तस्वीर है और ये घायल लुटेरा भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। ये वही बाइक है और ये तमाम बरामदगी इस मुठभेड़ में हुई है। हसनपुर पुलिस द्वारा अगरोला रोड पर रूटीन चेकिंग एवं गश्त की जा रही थी। इसी रूटीन चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर की स्प्लेंडर के साथ वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो दोनों व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक से खेतों की तरफ भागने लगे। भागते वक्त उन दोनों व्यक्ति ने पुलिस पर फायर किया, आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी फायर करना पड़ा। इस पूरी घटना में दो संदिग्ध व्यक्ति एवं एक जवान घायल हुए हैं। और अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कैश बरामद किए गए हैं। पटरवा गांव थाना के मुआवा काट के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में 4 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार और पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई थी, जिस मुठभेड़ में अब 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पठेरवा थाना के महुआवा कट के पास ये मुठभेड़ हुई। तमंचा और कैश भी बरामद हुए हैं इस मुठभेड़ में। कुशीनगर की ये वारदात है और लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी या फिर हम कहें प्रशासन के गश्त लगते जा रहे हैं और बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार और घायल होते जा रहे हैं। वहीं उन्नाव में डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार ने अस्पताल जाते तक तोड़ा दम। हादसे में मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। पूर्वा कोतवाली के मिर्री चौराहे के पास की घटना है ये। तो ये मिर्री चौराहे के पास की ये घटना है, जहां पर उन्नाव में सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। डंपर चालक ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मारी थी, लेकिन उस टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काट दिया है। डंपर सवार के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी थी। बाइक सवार ने अस्पताल जाते वक्त ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब परिजनों में आक्रोश है, गुस्सा है और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है, ताकि उस डंपर चालक को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्नाव से ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप, अस्पताल से
जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये वही शख्स है जो बाइक सवार था और उसे डंपर चालक ने टक्कर मारी थी। ये वही क्षतिग्रस्त बाइक है जिससे एक्सीडेंट हुआ था डंपर का, और अब डंपर सवार फरार चल रहा है। और फिरोजाबाद से खबर है जहां घर वापस जा रहे शख्स को डंपर ने रौंद दिया। हादसे में मौके पर हुई शख्स की मौत। पुलिस ने डंपर को मौके से पकड़ा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और थाना मटसेना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 का ये मामला है। तो नेशनल हाईवे 19 पर एक जोरदार टक्कर होती है डंपर और एक शख्स में, जहां शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। शख्स वापस अपने घर जा रहा था लेकिन रास्ते में ही डंपर चालक ने उस शख्स को रौंद दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। डंपर के टक्कर लगने से शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन वहां पर जुटी हुई है और उस शव को कब्जा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिरोजाबाद की यह खबर है जहां नेशनल हाईवे 19 पर ये घटना घटित होती है, जहां एक डंपर ने एक इंसान को, एक शख्स को रौंद दिया और शख्स की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद उस शख्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे चाचा जी काम करके आ रहे थे मकनपुर से, फैक्ट्री में काम करते हैं, सब्जी वब्जी लेके आ रहे थे उधर से, तो यहाँ खर्चली चौराहे से आगे उधर से डंपर आ रहा था, रौंदता हुआ कुचलते हुए निकल गया है और चौराहे पे खड़ा आया है डंपर और ड्राइवर वगैरह भाग गए। और अगली खबर कानपुर से है, जहां गली में खेल रहे मासूम की कार ने रौंद दिया और फिर उसके बाद 3 साल का बच्चा हादसे में बाल बाल बचा। कार ऊपर से निकलने के बाद मासूम की बची जान और बच्चे के को कोई भी मामूली चोट नहीं आई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चा गली के बीचों बीच खड़ा है और कार उसके ऊपर से रौंदती भी चली जाती है, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ बच्चा, कोई चोट नहीं आई और वो वापस उठकर खड़ा हो जाता है। हादसे में बाल बाल मासूम बचा, लेकिन लापरवाही देखने को मिल रही है कार चालक की, कि किस तरीके से बच्चे को देखने के बावजूद वो उस बच्चे पर गाड़ी रौंदता हुआ चला जाता है। गली में खेल रहा था मासूम, जिसके ऊपर से कार गुजर गई, बच्चे को रौंद दिया, लेकिन गनीमत है कि बच्चा बाल बाल बच गया, कोई चोट नहीं आई बच्चे को और वो फिर से खड़ा हो जाता है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की। तो अब बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां तेज बारिश के चलते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धस गया है। फिलहाल रास्ते को बंद कर एक्सप्रेसवे को ठीक किया जा रहा है। वहीं लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के धस जाने के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दरअसल आजमगढ़ सदर तहसील क्षेत्र के कोठरा और मनचोभा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बड़ा गड्ढा बन गया था, जिस कारण एक्सप्रेसवे के एक तरफ से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। ऐसे में फिलहाल एक ही लेन से गाड़ियों को पार करा जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच 9 जिले लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाती है, लेकिन बारिश के चलते आजमगढ़ के एक्सप्रेसवे का हिस्सा धस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ही लेन से गाड़ियों को हो रही है परेशानी। सपा ने लगाया निर्माण कार्य का। अब बारिश के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धस गया था, जिसके बाद अब मरम्मत जारी हो चुकी है। एक तरफ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, एक ही लेन से गाड़ियों को हो रहा है परिचालन। सपा ने लगाया निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप और अब बारिश के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धस गया है, जिसके बाद अब मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्सप्रेसवे धसा और रफ्तार में अब ब्रेक लग गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।